नमस्कार मित्रों, हाजिर है प्रोग्राम जन्म कुंडली के साथ एक बार फिर से डेली प्रेडिक्शंस लेकर। और आज मैं चर्चा करने वाला हूँ 10th of July, यानी कि आपका 10th of July का दिन जो है फ्राइडे का दिन कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जेमिनी राशि के मेरे मित्रों के साथ कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता दूं, कल का दिन यानी कि 10th of July का दिन आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां आपको मैटर रिलेशनशिप में खुशियां मिलेंगी, वहीं एंगेजमेंट होने के योग हैं, वहीं शादी के लिए भी ये बहुत अच्छा दिन साबित हो रहा है। और अभी तक अगर आपको कोई साथी नहीं मिला है तो यहाँ पर किसी ना किसी के साथ आपके संबंध रिलेशनशिप को आगे बढ़ता हुआ मैं देख रहा हूँ। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में या और किसी तरह की पार्टनरशिप में से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के मैं देख पा रहा हूँ कि कल का दिन 10th of July का दिन आप लोगों के लिए एक बेहतरीन दिन साबित होगा। इसको आप फुली एंजॉय करें, लेकिन साथ ही साथ सावधानी रखें क्योंकि आपके और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो सिर्फ जोश में कहीं होश ना खो दें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस अगर आपने इतना ध्यान रखा तो निश्चित तौर पे आपके लिए 10th of July काफी अच्छा दिन होगा। बात करूं कैंसर राशि के मेरे मित्रों की, तो ये दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। 10th of July के दिन आपको जॉब से जुड़ी हुई अच्छे समाचार मिल सकते हैं। अगर आपकी इंटरव्यू है तो आपको जॉब जो है उसके लिए कहा जा सकता है, अप्रूव हो सकती है, आपकी इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। अगर आप जॉब में हैं तो वहां पर आपकी आपको पे राइज भी मिल सकता है, और साथ ही साथ आपकी पोजीशन में भी आगे बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अगर आप किसी तरह के कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो कंपटीशन में आपको सफलता मिलने के योग जो है बने हुए हैं। बस आपको अपने आप पे काबू रखना है, बहुत ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, चीजें आपकी फेवर में है और 10th of July आपके लिए एक अच्छा दिन साबित हो रहा है। वहीं लियो राशि के मेरे मित्रों की बात करना चाहूंगा कि आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जो है उसको लेके, या जो आपकी वर्तमान प्रॉपर्टी है उसमें कुछ ना कुछ झगड़े, कुछ ना कुछ करना कराना जो है वो चीजें कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा टेंशन परेशानी दे सकती हैं। गाड़ी आदि आपकी खराब हो सकती है, उसकी एमओटी वगैरह करवानी पड़ सकती है, तो उसके लिए आपको बाहर जाना होगा। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं परेशानी दे सकती हैं और उसकी चिंता आपको सता सकती है। वहीं मैं देख पा रहा हूँ कि किसी तरह का अगर कोई कल आप एग्जाम देने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं या थ्योरी करने जा रहे हैं, तो उसमें भी आपको असफलता के योग मिले हुए हैं। तो संयम रखें, धैर्य के साथ आप काम को आगे बढ़ाएं तो निश्चित तौर पे इस पे आपको सफलता के योग बने हुए हैं। सफलता तभी मिलेगी जब आप पेशेंस रखेंगे, धीरे रखेंगे और सही दिशा में काम करेंगे। अगर मान लीजिए एक अटेम्प्ट आपकी कामयाब नहीं होती है कल के दिन में, तो अगली अटेम्प्ट के लिए अपने आप को तैयार रखें। तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग डे आपके लिए रहने वाला है। वही बात अगर मैं करूं कन्या राशि की, तो कन्या राशि के मेरे मित्रों को खास तौर पे जो लोग किसी तरह का लीगल मैटर जिनका है उनको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, और किसी नए लीगल मैटर में आपको इन्वॉल्व होने की, उलझने की जरूरत नहीं है, इससे लिटिगेशन से आपको बचना ही चाहिए। वहीं आपको अगर प्रॉपर्टी के लिए, अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है, अभी तक आपको टेनेंट नहीं मिला है, तो आपको टेनेंट मिलने के योग बने हुए हैं। वहीं आपके सिबलिंग्स के माध्यम से आपको कुछ अच्छे समाचार मिल सकते हैं, उनके द्वारा घर गाड़ी आदि की जो परचेस है वो हो सकती है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा समाचार हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली आपको बहुत ज्यादा लाभ तो नहीं होगा, लेकिन आपके इर्द गिर्द आपके सिबलिंग्स हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वहां से आपको अच्छे समाचार जो है कल के दिन प्राप्त हो सकते हैं। वहीं बात करूं लिब्रा राशि की, तो लिब्रा राशि के मेरे मित्रों कहना चाहूंगा आपकी छोटी छोटी यात्राएं जो है हो सकती हैं, आप एक जगह दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, नए घर में एंट्री हो सकती है। वहीं मैं ये कहूंगा कि आपको अपनी हेल्थ का भी साथ में ध्यान रखना है, क्योंकि आपका राशि लॉर्ड जो है 8th हाउस में है, तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ रिस्क जो है आपको दिखा रहा है। और वहीं आपका कम्युनिकेशन जो है 10th ऑफ जुलाई को काफी अच्छा रहेगा, तो आपका जो रुका हुआ कम्युनिकेशन है वो कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं मैं बात करूं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो राशि के मेरे मित्रों की, तो आपके लिए कल का दिन 10th ऑफ जुलाई बहुत ही अच्छा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें आप अपने बच्चों के माध्यम से किस तरह की आपको खुशी मिलेगी, वहीं साथ ही साथ आपका रुका हुआ पैसा आपको आ सकता है। कोई अप्रूवल जो अभी तक आपको नहीं मिली है उसका आपको अप्रूवल मिल सकती है, कोई एनओसी आपको चाहिए तो वो एनओसी आपको मिल सकती है, कोई डॉक्यूमेंट आपका रुका हुआ है वो डॉक्यूमेंट आपको मिल सकता है। वहीं आपका मन इन्वेस्टमेंट की ओर भी आगे बढ़ सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप गोल्ड आदि में इन्वेस्ट करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और वहीं साथ ही साथ अगर आपको आपकी नौकरी की चिंता आपको है, तो कल का दिन आपकी नौकरी में आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। मतलब आपको जो चिंता है वो चिंता आपकी दूर होगी, और आपका जो जो प्लेस है जॉब में वो सिक्योर हो जाएगा। ऐसी बहुत स्ट्रांग संभावनाएं आपके लिए कल 10th ऑफ जुलाई के दिन बनी हुई, अच्छे समाचारों का दिन आपके लिए रहेगा। वहीं धनु राशि सैजिटेरियस राशि के मित्रों कहना चाहूंगा कि आपके लिए 10th ऑफ जुलाई जो है एक अच्छा दिन हो सकता है आपका काम काज में। तो जहां आप सेल्फ सेंटर रहेंगे, वहीं आप बच्चों के बारे में, अपने फ्यूचर को लेके और खेल कूद में आपका मन जो है वो काफी बिजी रह सकता है। तो कल के दिन में आप खेल कूद के बारे में सोचेंगे,
एंटरटेनमेंट में आपका मन होगा, हो सकता है कहीं बाहर जाके आप मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ कोई मूवी आई देखने का प्रोग्राम बनाएं, या घर में ही बैठ के कुछ खेल कूद, जैसे हम आजकल प्ले स्टेशन पे जाओ और बहुत सारे साधन है उसके माध्यम से करते हैं, और वहीं कई बार हम किसी खेल कूद के ऊपर कुछ पैसे आदि बैट आदि भी लगाते हैं, तो वो हो सकता है कि आप उसके बारे में भी कुछ सोच रहे हों। वहीं रिलेशनशिप के मामले में आपका अच्छा समय है, बच्चों से आपको सहयोग मिलेगा, बच्चे अच्छा करेंगे ऐसी संभावनाएं हैं, और वहीं आपकी हेल्थ जो है वो पहले से बेहतर होती ही दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के कल का दिन आप लोगों के लिए काफी अच्छा जो है वो बना हुआ है। वहीं बात करूं अगर मैं कैप्रिकॉन राशि के मित्रों के साथ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो आपकी आपकी सक्सेस दिखा रही हैं, यानी कि आपको कल पोजेशन मिल सकता है, आपको चाबियां मिल सकती हैं, फाइनल सिग्नेचर हो सकते हैं, और एक अच्छा खुशनुमा माहौल जो है घर के अंदर हो सकता है। आप घर को नए तरीके से सजाने संवारने में लगे रहेंगे, उसके लिए आप कुछ जो है शॉपिंग आदि कर सकते हैं, घर के अंदर कोई नया फर्नीचर लाने के लिए कोई पेंट आदि करने का प्लानिंग आपका बन सकता है जो आपके लिए अच्छा है। और कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि आप सब कुछ करें लेकिन आप टायर्ड भी हो सकते हैं, तो अपनी सेहत का जो ध्यान रखें, बहुत ज्यादा फोर्सफुली कुछ चीजों की करने की कोशिश ना करें, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपका 10th of July का दिन काफी अच्छा गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर मैं कुंभ राशि की बात करूं, तो कुंभ राशि के मेरे मित्रों को मैं देख पा रहा हूं कि आपके लिए कल का दिन जो है वो बहुत ही अच्छा दिन साबित होता जा रहा है, जहां आपकी नेम फेम आपको मिलेगा, वहीं जॉब में आपका आपको आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, वहीं जॉब में प्रमोशन और जॉब में पे इंक्रीमेंट। हालांकि इस समय में तो जॉब जो है वो निकलती हुई फिसलती हाथ से दिखाई दे रही है और पैसे कट हो रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात है कि आपको जॉब में सराहा जाएगा और आपकी पे राइज भी होगा और धन कहीं ना कहीं आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली में गेट टुगेदर होने के योग भी कल के दिन में यानी कि 10th of July में बने हुए हैं, तो आपके लिए ये दिन बहुत ही अच्छा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पाइसिस राशि की बात करूं, तो पाइसिस राशि के मेरे मित्रों कहूंगा कि भाग्य आपके आप बहुत प्रबल है और आपको बहुत ज्यादा साथ दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी लंबी यात्रा की भी प्लानिंग बन सकता है, सडन आपका मन कल धार्मिक यात्राओं का, धार्मिक कर्मकांड में, कोई फैमिली फंक्शन में आपको इन्वॉल्व कर सकता है। जॉब के मामले में हल्की सी टेंशन आपको हो सकती है, लंबी दूरी की यात्रा की कोई प्लानिंग कर सकते हैं, तो सावधान रहिएगा क्योंकि जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें कई बार ग्रह जो है एक आध दिन के लिए आता है और बाद में मुश्किल पैदा कर देता है, इस चीज का आपको साथ में ध्यान रखना है। अपनी जॉब के ऊपर भी ध्यान दें, ओवरवेलम हो सकते हैं, काफी प्रेशर जो है जॉब का आपके ऊपर बना रह सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको खुद ही करनी पड़ेंगी। वहीं बात करूं एरी राशि के मेरे मित्रों को, तो एरी राशि के मित्रों को कहना चाहूंगा कि कल यानी कि 10th of July का दिन आप लोगों के लिए निश्चित तौर पे एक चैलेंजिंग डे हो सकता है। आपको अपने गुस्से पे काबू रखना है, अगर आप हाइपरटेंशन के मरीज हैं तो निश्चित तौर पे आपको ध्यान रखना है। मंगल आपका जो है अशुभ स्थिति में है। वहीं अगर मैं देखूं तो ये स्थितियां कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ मुश्किलें बना सकती हैं, तो कुल मिला के आपको बहुत सावधान रहते हुए आगे बढ़ना होगा और आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। मीठा खाना और बांटना आपके लिए एक अच्छी रेमेडी जो है वो कल के दिन में सहायक सिद्ध हो सकती है। वहीं टॉरस राशि की बात करूं, तो टॉरस राशि के जो मेरे मित्र हैं उनको निश्चित तौर पे कहना चाहूंगा कि आपका राशि लॉर्ड बहुत ही अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको किसी भी कारण से अपनी हेल्थ का ध्यान जो है वो रखना होगा। किस तरह का कोई एक्सीडेंट आदि होने के योग है, हॉस्पिटल की यात्रा हो सकती है, आप खुद हॉस्पिटल जा सकते हैं, या किसी का समाचार या किसी को लेकर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, ऐसी संभावना है। किस तरह के लीगल इश्यू से, लिटिगेशन से आपको इस समय में दूर रहना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप ऑलरेडी हैं तो कल का दिन आपके लिए कोई अच्छा फैसला नहीं ला सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, और किसी तरह के भी आर्गूमेंट से आपको बचना है। तो कुल मिला के टॉरस राशि वालों के लिए भी एक चैलेंजिंग डे होगा, हेल्थ और बाकी सब चीजों के लिए आपको ध्यान देना होगा। मैं यही कहूंगा कि आपके लिए कल का, आप सभी के लिए कल का दिन बहुत अच्छा हो, और जो मैंने खास खास पॉइंट जो है यहाँ रेज किए हैं उस हिसाब से अगर आप अपने आप को कल के लिए 10th of July के लिए प्लान करते हैं, जिसमें आपको काफी ज्यादा लाभ होगा। इसी तरह से और जानकारी लेके आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल JK Astrology सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को भी बताएं इस चैनल के बारे में। रोज नई से नई जानकारी लेकर आपके सामने जो ही हाजिर होता रहूंगा। मिलूंगा और अब आपसे बात करूंगा किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।